उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। आज हम जानेंगे पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में, जो कि न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों को सिंगापुर वाली फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ अकील रियाज मौजूद हैं जो RBS के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि स्मार्ट सिटी है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली स्मार्ट सिटी न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसको ओन और डेवलप हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है और इसका डिज़ाइन एंड प्लान सुरबाना जोरंग, जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और सिंगापुर गवर्नमेंट की कंपनी है, उसने इसको डिज़ाइन एंड प्लान किया है। हबीब रफीक लास्ट 60 ईयर्स से पाकिस्तान में सर्व कर रहा है और इसने डिफरेंट सेक्टर्स को सर्व किया है। 70% ऑफ पावर हाउसेस हबीब रफी की कंस्ट्रक्शन है, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें बहरिया टाउन और DHA, इसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हबीब रफीक ने की हुई है। सुरबाना जोरंग ने सिंगापुर को डिज़ाइन एंड प्लान किया है, जो कि 2014 में फर्स्ट स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ, और वैसा ही सिटी हम आपको इस्लामाबाद में सिंगापुर जैसा सिटी हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। अच्छा सर, जैसा कि आप बता रहे हैं स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी, तो ये दूसरी सोसाइटी से कैसे अलग है? जैसे कि आपने बताया कि आप पाकिस्तान में रहते हुए एक सिंगापुर वाली फैसिलिटी देंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं हमें, तो आप मुझे ये बताएं कि दूसरी सिटी से किस तरह डिफरेंट है? स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये है, ये बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसमें स्मार्ट इन्वायरमेंट आ जाता है। हमारे 30% ऑफ सोसाइटी का एरिया ग्रीन है, जो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा हमने एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, जो इटालियन कंपनी है ESA, उससे हमने एग्रीमेंट किया है। वो सारा वेस्ट मैनेजमेंट की सारी मैनेजमेंट ESA कंपनी करेगी और ये वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे ये कंपनी है टू हैंडल वेस्ट एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा हम इसमें एक BRT सिस्टम दे रहे हैं। आपने पूरे पाकिस्तान में देखा है किसी भी सोसाइटी का इंटरनल बस और ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। हमारी सोसाइटी में इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है और हम इसको स्मार्टली और एफिशिएंटली इसको मैनेज करेंगे। हम इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन को एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेफ हो सकती है उसको हम सेव करेंगे। ये इंटरनेशनली हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, उसको काफ़ी हर कंट्री इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। इसी तरह हम पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें हम लोग स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे, जिस पे स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स में ऐसे सेंसर्स होंगे कि जब ट्रैफिक नहीं होगी तो वो स्ट्रीट लाइट्स की लाइट कम हो जाएगी, और जब ट्रैफिक होगी तो उनकी स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। मतलब कि ये सोसाइटी हर तरह से स्मार्ट है, तो मुझे सिक्योरिटी के बारे में बताएं, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें बता दी ट्रांसपोर्ट के बारे में, लाइट के बारे में, और वो तो सबसे बड़ा मसला है, तो सिक्योरिटी का क्या इसमें? जी बिल्कुल, स्मार्ट सिटी एक गेटेड सोसाइटी है। इसके अंदर हमने कैमराज इंस्टॉल किए हैं, हमारा एक कंट्रोल रूम है जिससे हम पूरी सोसाइटी को मोनिटर कर रहे होंगे। इसमें आपको हम एक सिर्फ एक फ़ीचर आपको सिक्योरिटीज़ के लिए आपको एडअप कर देता हूँ। हम जब भी हमारी सोसाइटी का कोई भी रेजिडेंट इस सोसाइटी में इंटर होगा, उसकी फेशियल रिकग्निशन होगी, उससे हमें आइडिया हो जाएगा ये सोसाइटी का मेंबर इस सिटी में इंटर हो गया है। इसके अलावा हमारी स्ट्रीट लाइट्स में हम एक ऐसे सेंसर्स इंस्टॉल कर रहे हैं जो स्मोक डिटेक्शन भी कर सकेंगे, और अगर कोई ब्लड फायर होता है तो हम उसको रिकग्नाइज कर सकेंगे कि ये इस स्ट्रीट लाइट पोल के पास ये ऐसा कोई इंसिडेंट है, तो उसको हमारी सिक्योरिटी एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करेगी। आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से किस तरह डिफरेंट है? जी, हमारी कंपनी में प्रोफेशनल स्टाफ है और हम प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं क्लाइंट को, टाइमली सर्विसेज देते हैं, और जो भी क्लाइंट की क्यूरीज होती हैं, डेफिनेटली प्रोजेक्ट है, उनकी क्यूरीज आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम टाइमली रिजॉल्व करते हैं। और हम HRL के साथ सिंस लास्ट 5 ईयर्स से बिज़नेस कर रहे हैं, और क्लाइंट के ट्रस्ट की वजह से हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के प्लैटिनम सेल्स पार्टनर और टॉप सेलर हैं। अब हमारे साथ हैं RBS रीजनल सेल्स मैनेजर इम्तियाज़ कैसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमने स्मार्ट सिटी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, अब आप मुझे ये बताएं कि स्मार्ट सिटी के साथ कितनी इंटरनेशनल कंपनी मुंसलिक है? कैपिटल स्मार्ट सिटी में हमारे पास क्रैकनेल कंपनी है जो इसकी लैंडस्केपिंग कर रही है। इसके अलावा हमारे जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में है वो 18 होल का गोल्फ कोर्स है, जिसको हेराडाइन ने डिज़ाइन किया है, पीटर हेराडाइन।
और इसके अलावा हमारे पास जो है मूव इन पर एक होटल एंड रिजॉर्ट्स है, फ्रिज एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट पार्क बना रही है इसमें, और ट्रेवल्स इंटरनेशनल यूके बेस्ड कंपनी है वो इसमें विलास बना रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी आपके साथ मुंसलिक है, तो ये स्मार्ट सिटी इसका एरिया कितना टोटल? इसका जो टोटल एरिया है वो 55,000 कनाल है। तो आपने किस तरह इनकी डिवाइड, इसको किस तरह डिवाइड किया? ये हमने जो डिवाइड किया ब्लॉक की सूरत में किया, इसमें हमारे पास ओवरसीज ब्लॉक है, हारमोनी पार्क ब्लॉक है और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है। और जितने आपने ब्लॉक बताया, मुझे ये बताएं कि उनकी जो प्राइस या उनको जितना भी जितने मरले का प्लॉट होगा उनकी डिफरेंट रेट होंगे उन सबके? जी, हमारे पास इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो 3.5 मरला से लेके 2 कनाल तक है, और कमर्शियल में 2.66 मरला, 6 मरला और 8 मरला के भी कमर्शियल है। अगर सर अंदाज़ा लगाया जाए तो कुल कितने ब्लॉक हैं, मतलब पूरे अगर हम ब्लॉक का अंदाज़ा लगाएँ कितने ब्लॉक हैं? अभी तक जो हम ब्लॉक्स पे काम कर रहे हैं इसमें अभी हारमोनी, ओवरसीज़ और एग्जीक्यूटिव है। इसके अलावा हमारे पास इस प्रोजेक्ट में सिलिकॉन डिस्ट्रिक्ट है, पेंडा डिस्ट्रिक्ट है और एविएशन डिस्ट्रिक्ट है, और भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं इसमें। अच्छा, तो अगर टोटल घरों की हम तादाद देखें तो कितने घरों की तादाद होगी? अप्रॉक्सीमेट इसमें 25,000। अच्छा, मतलब 25,000 आप कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हर सोसाइटी या हर सिटी का एक अपना कम्युनिटी सेंटर होता है, तो क्या जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उसका भी एक कम्युनिटी सेंटर है? जी बिल्कुल, इसमें कम्युनिटी सेंटर है। हमारे प्रोजेक्ट में जो है 30% ग्रीन एरिया है। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा मस्जिद है वो 200 कनाल पे है, और इसके अलावा हमारे पास जो है थीम पार्क भी है इस प्रोजेक्ट में, और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स भी है, और इसके अलावा डांसिंग फाउंटेन है दुबई बेस की तरह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हर ब्लॉक का अपना पार्क है और मार्केट है? जी, हर ब्लॉक में हमने कमर्शियल भी दिए हुए, मार्केट दिए हुए, हर किस्म की सहूलियात हमने दी हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वहाँ पे रिहाइश पज़ीर होने वालों के लिए क्या ऑफर्स चल रही हैं आजकल? जी, हमारे पास जो क्लाइंट है उनको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर वो 50% पेमेंट करे तो उनको हम 5% डिस्काउंट दे देते, और अगर 100% पेमेंट पे करे तो उनको हम 10% डिस्काउंट दे देते, और इसके साथ हम सिलेक्शन की चॉइस भी दे देते हैं उनको। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इनकी मेन एंट्रेंस कितनी है इस सिटी की, और साथ ही साथ इनकी दूसरी एंट्रेंस कितनी है और कहाँ कहाँ वो लगती हैं? हमारी जो मेन एंट्रेंस है वो M2 मोटरवे पे है, डेजिग्नेटेड इंटरचेंज है, और इसके अलावा हमारी जो चक्री रोड की तरफ से 3 एंट्रेंस है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि आप अपने कस्टमर्स को ऑन टाइम डिलीवरी के लिए क्या कर रहे हैं? जी, हमारे 2 ब्लॉक्स हैं जिसको हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, जिसमें अवसी डिस्ट्रिक्ट 1 और एग्जीक्यूटिव 1 है। इसकी डिलीवरी की कमिटमेंट 2021 में थी, और उसको हम टाइमली डिलीवर कर रहे हैं, और हम अपने क्लाइंट्स को 2020 में इसकी पोजेशन दे रहे हैं जिसकी हम ऑलरेडी पैलेटिंग लास्ट ईयर नवंबर में कर चुके हैं। और हमारी इस टाइम अगर आपको साइट पे कोई भी हमारा क्लाइंट विज़िट करे, 700 मशीनरीज का फ्लीट मौजूद है जिस पे वो टाइमली डेवलपमेंट कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिस पे इतनी बड़ी मशीनरी का फ्लीट काम कर रहा हो। अच्छा सर, जैसे कि आपने ओवरसीज़ की बात की है, तो मुझे ये बताएं कि ओवरसीज़ में जितने भी लोग रहने वाले हैं उन्हें काफ़ी इश्यूज़ होते हैं कि उन्हें फैसिलिटी वैसी नहीं मिलती, तो आप उनके इशू किस तरह रिजॉल्व करेंगे? जी, सबसे जो मेजर इशू होता है वो आपकी टाइमली पेमेंट्स का होता है, उनकी पेमेंट्स को सही यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, या टाइमली उनको ये नहीं आइडिया होता कि वो उनकी पेमेंट्स उनके अकाउंट में जा रही हैं या नहीं। इसके लिए हमारा एक स्मार्ट सिटी का पोर्टल है, हम अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि हमारे 3 अकाउंट्स हैं 3 कंट्रीज़ में, जिसमें UAE में अकाउंट है, UK में, और पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उसमें आप पेमेंट्स करें, और आफ्टर पेमेंट्स आफ्टर 1 or 2 डेज़ आप अपने उस पोर्टल में उस पेमेंट को अपडेट चेक करें, अगर वो अपडेट नहीं है तो आप हमारी मैनेजमेंट और स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे उनकी पेमेंट को वो इंश्योर कर सकते हैं कि उसको कोई इशू तो नहीं है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो वो कहाँ तक पहुँची है? ये हमारा 5 years का प्लान है, 5 years में हम इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। इसमें अदर ब्लॉक्स भी हैं, वो भी हम इंशाल्लाह मार्केट में सेल करके उसको डिलीवर कर देंगे, और उसकी टाइमली अपडेट्स के लिए ओवरसीज़ क्लाइंट्स और पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जो कि इस्लामाबाद में लोकेटेड हैं और बाहर हैं इस सिटी से, वो हमारे RBS रियल स्टेट के चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उस पर सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। आफ्टर 1 or 2 weeks हम डेवलपमेंट की वीडियो अपडेट करते हैं, जिसमें क्लाइंट्स को ये अंदाज़ा होता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो उसने कंपनी में इन्वेस्ट की हैं वो टाइमली प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट हो रही हैं।
अगर आप हमारी टीम से और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है। आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, तो एनी टाइम आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में काफ़ी मालूम हासिल कर ली है, तो मज़ीद इस तरह की मालूम वाली वीडियोज़ देखने के लिए उर्दू पॉइंट के साथ रहें। तब तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।